हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू ट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हमारे क्या कहते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पेपर के एक नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने ज्वाइन नहीं करे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। उसके बाद क्या कहते हैं तो उसके अगर आप वो देखते हैं तो उसके बाद ये वाला लेक्चर समझने में ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने जीनोम का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर, हम आरएनए के स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड के क्या कहते हैं फंक्शनिंग के बारे में, डीएनए के रैपिंग के बारे में सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए लेक्चर जैसे भी अवेलेबल हो, हालांकि हम वीक में 4 लेक्चर अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, जूलॉजी के बीच में फुल लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, बट उसके साथ साथ क्या कहते हैं पुराने लेक्चर्स भी है, बीएससी के लेक्चर्स भी है, तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। एंड क्या कहते हैं, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए एंड डीएनए टोपोलॉजी। एक्चुअली वॉटसन क्रिक मॉडल जो दिया उन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था डीएनए का, उसी की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है हमारा डीएनए टोपोलॉजी, मतलब डीएनए की टोपोलॉजी, उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन, वो कैसे बना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती है, हमारी वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की इन्फॉर्मेशन में, और जिसको हम बोलते हैं डीएनए टोपोलॉजी। तो पहले समझ लेते हैं हु आर दी वॉटसन एंड क्रिक। एक्चुअली वॉटसन एंड क्रिक का रोल क्या था, ठीक है। देखिए सबसे पहले एक बात करते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा था, कि देखिए वॉटसन एंड क्रिक से पहले क्या करा था, अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक साइंटिस्ट आए थे हमारे लीनियस पॉलिंग, ठीक है, लीनियस पॉलिंग क्या कर रहा था, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्कवर करा, ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं लीनियस पॉलिंग भी उन साइंटिस्ट में से थे जिन्होंने क्या करा था डीएनए के क्या कहते हैं स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहते हैं पीछे पड़े थे, ठीक है। बट इन सब से इन सबको पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, इन सबको पीछे छोड़ते हुए वॉटसन एंड क्रिक सबसे आगे आ गए, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा था, वॉटसन एंड क्रिक, एक्चुअली इनका नाम है कहते हैं जे वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, तो हम लिखते हैं इनको वॉटसन एंड क्रिक लिखते हैं, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा था अर्ली 1500 में, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, क्या कहते हैं इन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा था, जो कहते हैं डीएनए का 3D मॉडल, 3D मॉडल इन्होंने क्या करा था डिस्कवर करा था। तो इन्होंने क्या करा था डीएनए, एक्चुअली इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं 3D मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने क्या करा कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो क्या कहते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे थे, या फिर कुछ लोगों ने डीएनए के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, कुछ लोगों ने जानकारी दे दी, तो इन्होंने क्या करा एक सेलेक्टिव लिया, सॉरी एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन लिया। तो इन्होंने क्या करा, दे टुक क्या कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड वर्क्स अराउंड डीएनए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कलेक्टेड, उन्होंने सारे के सारे इंफॉर्मेशन, जितने भी डाटा थे, ठीक है, डीएनए के ऊपर जितने भी डाटा साइंटिस्ट काम कर रहे थे, ठीक है, साइंटिस्ट ने काम कर चुके थे, तो उन्होंने सभी का डाटा लिया और उस डाटा को क्या करा, उस डाटा को क्या करा इन्होंने एक अपना खुद एक सिंगुलर फॉर्म बनाया और उसको एनालाइज करा, ठीक है। तो अब इसको एनालाइज करने में, फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने में जो सबसे बेसिक या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिनका जाता है, उनका नाम है रोजलिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इनका नाम क्या है हमारा, रोजेलिन फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन, ठीक है। देखिए फ्रैंकलिन कौन थे, फ्रैंकलिन थे हमारे एक एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपर्ट। फ्रैंकलिन कौन थे, हमारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के एक्सपर्ट थे। तो रोजेलिन फ्रैंकलिन ने क्या करा कि डीएनए के 3 मॉडल को, 3D मॉडल को क्या करा, इन्होंने सब इन्होंने ही देखा, ऐसा समझ लेते हैं कि जो जानकारी वॉटसन एंड क्रिक लेके आए थे, ऐसा समझ लेते हैं कि सारा का सारा इन्होंने सिंगुलर फॉर्म लिया और फिर क्या करा इन्होंने रोजेलिन फ्रैंकलिन को दिया कि आप इस डीएनए के मॉडल को एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के थ्रू क्या कहते हैं इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करिए, ठीक है। तो जो फ्रैंकलिन थी, रोजेलिन फ्रैंकलिन थी, वो कौन थी, ये थे हमारे क्या कहते हैं एक मॉरिस विल्किंसन, मॉरिस विल्किंस एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये जो रोजेलिन फ्रैंकलिन थी, तो मॉरिस विल्किंस के अंडर क्या कर रही थी, मॉरिस विल्किंस क्या थे इनके,
पीएचडी सुपरवाइजर थे, ठीक है। ये क्या थी, रोजेलिन फ्रैंकलिन क्या थी, एक पीएचडी स्कॉलर थी, पीएचडी स्कॉलर थी, ठीक है। वो पीएचडी पीएचडी कर रही थी उस टाइम पे। मॉरिस विल्किंस इनके क्या थे, सुपरवाइजर थे, ठीक है। तो मॉरिस विल्किंस के अंडर क्या कर रही थी रोजेलिन फ्रैंकलिन, अपनी पीएचडी कर रही थी, बट वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की इतनी ज्यादा एक्सपर्ट थी कि वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा, मॉरिस विल्किंस के थ्रू रोजेलिन फ्रैंकलिन से एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू डीएनए का जो 3D मॉडल है उस पे उसको स्टडी करवाया और उसको एनालाइज कराया। उन्होंने जितने भी डाटा लिए थे, वो क्या कहते हैं, अदर साइंटिस्ट, सारे के सारे डाटा को कलेक्टिव फॉर्म में, एक सिंगुलर फॉर्म में लाके रोजेलिन फ्रैंकलिन को दिया। और फिर रोजेलिन फ्रैंकलिन ने क्या करा कि उसकी उस स्ट्रक्चर की स्टडी करी, ठीक है। अब जब स्टडी करी, ठीक है, तो उसके बाद क्या करें कि रोजेलिन फ्रैंकलिन या फिर इन सभी के, इन चारों को जो हमारे पास कौन से साइंटिस्ट हैं, वॉटसन, क्रिक, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है, इन चारों को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला फॉर, नोबेल प्राइज फॉर 3D मॉडल ऑफ डीएनए, 3D मॉडल ऑफ डीएनए, 3D मॉडल ऑफ डीएनए के लिए, ठीक है। वॉटसन, क्रिक, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन को क्या करा, नोबेल प्राइज मिला फॉर 3D मॉडल ऑफ डीएनए। बट जब तक ये नोबेल प्राइज इनको एसोसिएट हुआ था, फिर जिनको अवार्ड हुआ था, ठीक है, इनके इन इनका क्या कहते हैं, नाम आया था नोबेल प्राइज के लिए, तब तक हमारे पास रोजेलिन फ्रैंकलिन, हमारे क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी, फ्रैंकलिन की डेथ हो चुकी थी। तो रोजेलिन फ्रैंकलिन जो हमारी थी, ठीक है, तो वो जो पी एच डी स्कॉलर थी, वो क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई थी जब नोबेल प्राइज मिलने वाला था, ठीक है। तो रोजेलिन फ्रैंकलिन की क्या हो गई थी, हमारे उस टाइम पे डेथ हो गई थी, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ें जानना क्यों जरूरी है, अगर डीएनए के या फिर वॉटसन क्रिक मॉडल के बारे में जानते हैं, तो हम ये चीज़ें क्यों जानना जरूरी है कि एक्चुअल में जो काम सिर्फ और सिर्फ वॉटसन एंड क्रिक ने ही करा था, वॉटसन एंड क्रिक के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं, विल्किंस एंड फ्रैंकलिंस भी थे, और क्या कहते हैं, इनके अलावा जो अदर साइंटिस्ट काम कर रहे थे डीएनए पे या फिर जो काम कर चुके थे, उन्होंने क्या करा, देखिए इन्होंने तो क्या कहते हैं जो 3D मॉडल दिया, उन्होंने क्या किया, इन्होंने ह्यूमन का 3D मॉडल दिया डीएनए का, ठीक है ना, ह्यूमन का दिया, नहीं इन्होंने ह्यूमन पे नहीं दिया था। एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि इन्होंने अगर ना जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे, कोई क्या कहते हैं प्लांट डीएनए पे काम कर रहा था, कोई हॉर्स के डीएनए पे काम कर रहा था, कोई स्निक पे काम कर रहा था, ठीक है, कोई ह्यूमन पे काम कर रहा था, तो इन्होंने उन सभी के सभी डीएनए के जो कहते हैं डाटा थे उसको एनालाइज करा। क्योंकि देखिए डीएनए तो सेम होगा ना, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करेंगे, तो देखो जनरली चेंजेस क्या आती है हमारी बॉडी में। अब जब वॉटसन एंड क्रिक ने सारे का सारा डेटा इन्होंने सारे जगह से कलेक्ट कर लिया, हर एक जितने भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे सबसे डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने अगर हर एक डाटा को अलग अलग तरीके से एनालाइज करके एक सिंगुलर फॉर्म किया, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि डीएनए के 3D मॉडल या फिर डीएनए की एनालिसिस के लिए उन्होंने क्या करा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की नीड थी इनको, क्या तो, और इनके कहते जान पहचान में कौन थे, हमारे मॉरिस विल्किंस थे। मॉरिस विल्किंस ने क्या करा था, वो काम सौंपा था फ्रैंकलिन या फिर रोजेलिन फ्रैंकलिन को, ठीक है। तो फ्रैंकलिन जो थी हमारी, उन्होंने क्या कहते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू डीएनए का जो 3D मॉडल है वो उन्होंने एक्सप्लेन करा था। एक जो डीएनए का 3D मॉडल होता है ना, तो वो कुछ उस टाइप कुछ स्टेप से होता है, ठीक है, अभी वैसे उसके बारे में लिखेंगे बट फिर भी, इस टाइप से होता है डीएनए का 3D मॉडल। ये क्या होता है, डबल हेलिकल मॉडल या फिर डीएनए का डबल हेलिकल, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए का 3D मॉडल ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, 3D मॉडल ऑफ डीएनए, फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, 3D मॉडल ऑफ डीएनए और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डीएनए की जो टोपोलॉजी है, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट, हमारा मेन कंसर्न जिससे है, ठीक है। तो क्या है हमारा डीएनए टोपोलॉजी, देखिए डीएनए की टोपोलॉजी मैं पहले भी बता चुका हूँ,
90% लोग जानते हैं कि व्हाट इज डीएनए की टोपोलॉजी, बट फिर भी पॉइंट वाइज मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि मैंने इससे पहले के लेक्चर में बता रखे है डीएनए की टोपोलॉजी, बट एज सर्टेन नेम लेके नहीं बताया कि डीएनए की टोपोलॉजी क्या होती है। तो उस टाइम पे जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल अपना अप्रूव करा था, फिर मॉडल अपना दिया था, 3D मॉडल दिया था, डबल हेलिकल मॉडल दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस टॉपिक या फिर दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है, फिर क्या कहते हैं, सबसे पहला जो क्या कहते हैं इसमें आता है वो क्या आता है डीएनए की टोपोलॉजी में। तो डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए डीएनए क्या है, डीएनए हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, ठीक है। डीएनए क्या है हमारा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीएनए क्या है हमारा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें जो हेलिसेस होते हैं, फिर ऑल ऑल द टू हेलिसेस, इसमें क्या लिखते हैं, द हेलिसेस ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब इसको थोड़ा ऐसा समझ लेते हैं कि देखिए डीएनए में हमने क्या कहा, अभी डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा एक डीएनए बना लेते हैं, ठीक है, डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो इसमें दो हेलाइसिस है, एक फर्स्ट हेलाइसिस है, एक हमारा फर्स्ट हेलाइस है, और ये हमारा दो सेकंड हेलाइस है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है। अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, देखिए डीएनए का जो बैकबोन होता है उसके बारे में, जो डीएनए का बैकबोन है, जो हमारा क्या कहते हैं हेलाइसिस है, ये हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है, ये क्या होता है हमारा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। लाइक कि क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, अगर ये यहाँ से 5' कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये एंड कहाँ से होगा, स्टार्ट 5' से होता है, और एंड कहाँ पे होता है, ये 3' एंड पे होता है, ठीक है। और वहीं अगर एक बात करेंगे कि अगर ये 5' यहाँ पे क्या होगा इसका, फिर 3' से स्टार्ट होगा दूसरा वाला, और कहाँ से एंड होगा हमारा 5'। तो मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो डीएनए का 5' एंड जो होता है वो क्या होता है हमारा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसको अगर ऐसे हेलिक्स में समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको सिंपल ऐसे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है, इसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसे सिंपल इसमें बेसिस लगे होते हैं, ठीक है, तो इसमें बेसिस से जोड़ देते हैं। अब जस्ट सिंपल से बना लेते हैं, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे बनाते जाएंगे उसको, डिटेल में टोपोलॉजी बनाते जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल बात करेंगे तो यहाँ पे 5' होगा, 3' होगा, तो ये सिंपल यहाँ पे 5' और 3' होगा। तो क्या है हमारा डीएनए के जो हेलाइसिस है वो तार क्या है हमारे, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक हो गया यहाँ तक। अब जब हमने कहा कि इसके हेलाइसिस ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर है, तो हेलाइसिस बने किससे होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी लिख देते हैं कि द हेलाइसिस देखिए हेलाइसिस की किसकी बात करें हम, जो ये जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड इसके बारे में बात करें, द हेलाइसिस आर द बैकबोन ऑफ डीएनए विच होल्ड्स द नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक है। देखिए जो वॉटसन एंड क्रिक ने बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में बताया था, जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि मैंने कहे थे वॉटसन थे, क्रिक थे, विल्किंस थे, फ्रैंकलिन थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था कि अपना मॉडल बनाने से पहले, इन्होंने अपने मॉडल बनाने से पहले चारकाप थे, जो इससे पहले वाले मैंने लेक्चर में बता रखा है कि चारकाप एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहते हैं जी सी बॉन्डिंग, ए टी बॉन्डिंग, ए यू बॉन्डिंग के बारे में बता रखा है,
ठीक है, तो उन्होंने क्या कहते हैं जीसी के कंसंट्रेशन, सॉरी हाँ जीसी का कंसंट्रेशन, फिर क्या कहते हैं एटीए कंसंट्रेशन इक्वल होगा या फिर नहीं होगा, वो सारी की सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडिन कंसंट्रेशन के बारे में उन्होंने रूल देखे, तो उन्होंने उसके थ्रू क्या कहते हैं अपना एक डीएनए का 3D मॉडल बेस स्ट्रक्चर किया, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डीएनए इन्होंने स्टडी करी, ठीक है। तो जब हम आगे पढ़ते हैं कि द हेलाइसिस आर बैकबोन ऑफ डीएनए व्हिच होल्ड्स दी होल्ड्स द नाइट्रोजनस बेसिस, तो जब नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो व्हिच होल्ड्स द नाइट्रोजनस बेसिस, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं कि द हेलाइसिस आर मेड अप ऑफ द हेलाइसिस आर मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, The halides are made up of sugar and phosphate, ठीक है, और इसमें क्या होता है एक बॉन्ड होता है जिसका बॉन्ड का नाम क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो क्या है मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट एंड अटैच्ड एंड कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ईस्टर, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसा होता है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, हल्का सा देखेंगे, ज्यादा हम डिटेल में इसमें घुसने की जरूरत है नहीं हमको वैसे भी, तो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं पेंटोस शुगर बना लेते हैं डीऑक्सीराइबोस का, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और इसमें से कार्बन चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फिफ्थ सी एच टू ओ एच यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, इसमें सी एच टू इधर लगा होगा, और इधर क्या है हमारे पास, तो फिर इधर नहीं लगा के इसको लगाते इस साइड, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, पहन लिया हमने, और तो करा हमने यहाँ पे इसको करा ओ, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एक सिंपल नीचे का हमारा क्या कहते हैं देखिए उस पर यहाँ बना, तो इसका मतलब डीएनए, अगर यहाँ पे एच लिखा तो ये मतलब क्या है कि हमारा डीऑक्सीराइबोस है, ओके। अब जब यहाँ पे वो है इसका सी एच टू वो एच होता है ना, फिर एच जुड़ाता है, तो बट अब क्या होता है एच हट जाता है, ठीक है, और एच जुड़ जाता है किससे फॉस्फोरस से, ठीक है, और ये फॉस्फोरस किससे जुड़ता है फिर से ओ से जुड़ता है, ठीक है, और फिर से क्या होता है हमारा ये बनता है क्या हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे बनेगा यहाँ पे जगह तो ऊपर कम हो गया, इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस रहे, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना लेते हैं कि इसको फॉस्फोरस को यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है, और फिर इसका एक ओ यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये हमारे यहाँ आते हैं ये जो हम एक सेकेंड में बताता हूँ थोड़ा पहले, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, अब कुछ ऐसे, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये होगी, तो ये फिर से एक डीऑक्सीराइबोस है, और डीऑक्सीराइबोस कैसे करेंगे सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ये थर्ड प्राइम से जुड़ जाएगा, ठीक है, अब उसके बाद फिर से यहाँ पे एच होगा ये, और यहाँ पे फिर से एक एच होगा, और ये फिर से यहाँ पे ये भी जुड़ा रहेगा अगर डीएनए के इसमें है, ठीक है। तो जब बात करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, और ये जो कार्बन है सी एच टू वाला ये हमारा फिफ्थ है, तो फिफ्थ से देखिए जुड़ा कौन सा है 1 2 3, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, तो फिफ्थ से थर्ड कार्बन जुड़ा है, तो इसीलिए बोलते हैं इसकी जो डायरेक्शन होती है वो 5' to 3rd' होती है, मतलब इस डीएनए का डायरेक्शन क्या है इस साइड है, ऐसे है और बर्ड है, और उस पे क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं हमारे नाइट्रोजन बेसिस लगे होते हैं वो फर्स्ट प्राइम पे लगे होते हैं हमेशा, ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे लगे होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसमें सेटिस्फाई कर लेते हैं इसको, इसको यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जोड़ देते हैं और एक सिंगल बॉन्ड से वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, ये वाला बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फो देखिए दो ईस्टर बॉन्ड है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, दो ईस्टर बॉन्ड है और फॉस्फोरस लगा है, इसलिए फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, तो ये क्या है हमारा फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि द हेलाइसिस आर मेड ऑफ, ये जो हमारा क्या कहते हैं ये बेस लगाओ, एक बेस लगाओ, ये फॉस्फो एनर्जी का
सॉरी फॉस्फोडाइस्टर का बैकबोन है, और ये क्या बनाता है, ये हमारा क्या कहते हैं डीएनए का एक सिंगल हेलिक्स बनाता है। ठीक है, तो द हेलाइसेस आर मेड अप ऑफ सुगर एंड फॉस्फेट एंड एंड कनेक्टेड बाय अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन और द सुगर एंड फॉस्फेट, ये जो हमारा हेलाइसिस है, ठीक है, द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, तो जो मतलब जो ये हमारा ये है वाला होगा, जो डीएनए का हेलिक्स है या फिर फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन वाला चेन है जो हेलिक्स बनाता है, वो हेलिक्स क्या होगा होता है हमारा एक हाइड्रोफिलिक होता है, दैट्स व्हाई ये आउटवर्ड रहता है, जबकि नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं हमारे हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो उस ऑटोमेटिकली वो इनवर्ड रहता है। तो इसमें इसमें ये वाला पॉइंट भी लिख देते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस आर हाइड्रो phobic in nature। ठीक है, the phosphodiester backbone are hydrophilic while nitrogenous bases are hydrophobic। तभी देखिए जो DNA के backbone को, फिर DNA के अंदर जो bond होता है भी बताएंगे, तो उसके अंदर एक दो type के bond होते हैं, एक होता है hydrogenous bond और एक sorry hydrogen bond, और एक होता है हमारा hydro sorry एक होता है हमारा hydrophilic hydrophobic bond और एक होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो दो बॉन्ड के थ्रू क्या कहते हैं इसके स्ट्रक्चर अटैच। इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो दोबारा में बताने की कोई जरूरत मुझे है नहीं। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, इस जस्ट पहले वाले लेक्चर में, उससे पहले जब मैं न्यूक्लिक एसिड पे डीएनए के बारे में बता रहा था, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, तो खाली वो बता के खाली आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, क्योंकि जो एक चीज बता चुका हूँ फिर दोबारा से वही बता के टाइम वेस्ट का कुछ फायदा है नहीं। बस मैं आपको जस्ट जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जो उसके अंदर बॉन्ड्स होती है, जो यहाँ पे फर्स्ट प्राइम बेस, फर्स्ट प्राइम कार्बन पे हमारा नाइट्रोजनस बेस लगा होता है, तो जो नाइट्रोजनस बेस दूसरे हेलाइसेस के नाइट्रोजनस बेस के थर्ड सॉरी क्या बोल रहा हूँ जो दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस से जुड़ता है, तो वो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के थ्रू स्टेबल रहता है। तो जो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पूरे पूरे डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पकड़े हुए रखता है, होल्ड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पकड़ के रखता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड धकेल के रखता है, तो उससे क्या होता है स्ट्रक्चर का एक बेसिक फॉर्मेशन वो बना हुआ रहता है अल्टीमेटली। ठीक है, अब जो इसमें क्या कहते हैं, मैंने कहा हाइड्रोफोबिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज लिख देते हैं कि देयर आर फोर नाइट्रोजनस बेसिस, सबको पता है बट फिर भी देयर आर फोर, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बिल्कुल प्रॉपर केमिकल स्ट्रक्चर के साथ समझा रखा है। ठीक है, देयर आर फोर नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, देयर आर फोर नाइट्रोजनस बेसिस व्हिच बेसिस एंड व्हिच आर एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये हमारे पास चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, अब डीएनए के अंदर चार नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस का क्या होता है, एक रूल होता है, चारगाफ ने दिया था, वो रूल क्या कहते हैं कि देखिए इसमें क्या होते हैं, टू पिरिमिडीन्स होते हैं, देयर आर टू पिरिमिडीन्स एंड टू प्यूरीन्स, तो एडिनिन एंड गुआनिन आर प्यूरीन्स व्हाइल साइटोसिन एंड थायमिन आर प्यूरीन। तो एडिनिन को लिखते हैं ए से डिनोट करते हैं, ए एंड जी आर द प्यूरीन बेसिस, प्यूरीन बेसिस, व्हाइल सी एंड टी आर पिरिमिडीन बेसिस। देखिए प्यूरीन पिरिमिडीन बेसिस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसका प्रिकर्सर स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो प्यूरीन होता है, प्यूरीन क्या होता है हमारे पास कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, ठीक है, इसका प्रिकर्सर बना रहा हूं मैं, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये प्रिकर्सर है, जो प्यूरीन प्रिकर्सर है, और एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा पिरिमिडीन प्रिकर्सर। ठीक है, ये क्या था हमारा पिरिमिडीन प्रिकर्सर, तो ये क्या है हमारा प्यूरीन प्रिकर्सर, ये क्या है हमारा पिरिमिडीन
कर सकते, ठीक है। तो हमारा जो है कहते हैं एडिनिन ग्वानिन का बेसिक स्ट्रक्चर किससे बना होगा, वो प्यूरिन प्रिकर्सर से बना होगा। वही जब हम बात करते हैं साइटोसिन और थायमिन के बारे में, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, हमारा पिरिमिडिन से बना होगा, इस पिरिमिडिन प्रिकर्सर से बना होगा। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए, उसमें सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। और यहाँ तक लाइक मतलब यहाँ तक अगर आपको पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, एंड नए नए लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन डाउट कुछ भी है इस लेक्चर से रिलेटेड, पहले लेक्चर से रिलेटेड, दूसरे पेपर से रिलेटेड, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए। हम वैसे भी नए क्या कहते हैं दूसरा पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है, भी दूसरा पेपर भी स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो सब एक साथ चलता रहेगा, ओके। अब जब प्यूरिन प्रिकर्सर और पिरिमिडिन प्रिकर्सर मैंने बता दिया है, तो अब क्या है कि द एडिनिन, अब इसमें एक चीज है कि द एडिनिन एडिनिन कनेक्ट्स टू थायमिन ऑलवेज। ये क्या है हमारा ऑलवेज, ठीक है। एडिनिन कनेक्ट्स टू थायमिन बाय टू डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है, टू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में बात की, जो डबल बॉन्ड क्या है हमारे पास, टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड्स। वहीं पे क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं यहां पे होगा ग्वानिन, वो साइटोसिन से क्या करेगा ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा, और क्या होगा इसमें थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहेंगे एडिनिन से थायमिन, हमेशा एडिनिन थायमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ेगा। और क्या कहते हैं एडिनिन थायमिन से दो डबल बॉन्ड के थ्रू, दो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा, वहीं ग्वानिन साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये चार का आपने दिया था हमारा ये रूल, ठीक है। और वहीं क्या कहते हैं इन्होंने डीएनए की जब टोपोलॉजी पढ़ी तो उसमें उनको भी वही दिखा, ठीक है। तो जब मान लो क्या कहते हैं यहाँ पे अगर आया क्या कहते हैं यहाँ पे छोटा सा अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, ठीक है, तो देखिए रीड कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज कह लेते हैं कि हमारा डीएनए का कुछ ऐसा है, ए टी जी 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 सी ए ए ए टी टी, कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ एकदम ऐसा है। तो हमेशा ए के सामने क्या होगा, मैंने क्या बताया, ए के सामने हमेशा क्या होगा यहाँ पे टी होगा, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा, सी होगा सी होगा, सी के सामने जी होगा, ए के सामने फिर से टी होगा, ए के सामने फिर से टी होगा, ए के सामने फिर से टी होगा, टी के सामने फिर सी होगा, ये होगा। तो ऐसे रीड करते हैं किसी डीएनए को। अगर किसी ने कहा देखिए क्वेश्चन आता है, अगर आप सीएसआर नेट में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहाँ पे रहते हैं एक ट्रांसक्रिप्ट दिया रहता है। ट्रांसक्रिप्ट से देखिए वो थोड़ा सा ऑब्वियस की बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं देते हैं। ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है वो इसकी कॉपी होती है, बोलते हैं यहाँ पे दो स्ट्रिंग, जैसे कि दो स्टैंड है ना, तो दो स्टैंड क्या होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 5' है, ये हमारा 3' है, ये हमारा 3' है, ये हमारा 5' एंड है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के, ठीक है, तो एंटी पैरेलल है। अब क्या होगा, जो इन्होंने कहते हैं ए टी ये जुड़े हैं, ठीक है, ये जो जुड़े हैं एक दूसरे से, क्या होगा जब ये जुड़ने के सॉरी जुड़े हैं तो ये क्या है हमारा, ये होता है हमारे इसमें पेरेंट, पेरेंट स्टैंड एक होता है हमारा ऑफस्प्रिंग स्टैंड। तो कहते हैं कि ये एक डीएनए की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, एमआरएनए होता है। तो उसमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि एक एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट कॉपी को देख के आपको पेरेंट स्ट्रिंग या फिर पेरेंट स्ट्रैंड का क्या कहते हैं वो बनाना होता है कि उसमें से कौन सा करेक्ट होगा पेरेंट स्ट्रैंड, ओके। तो वो थोड़ा सा घुमावदार होता है, बट एक्चुअल में वो थोड़ा मजेदार भी होता है, क्योंकि अगर आपको ये रीडिंग समझ में आएगी कि ए के अपोजिट क्या होगा, टी के अपोजिट क्या होगा, और ट्रांसक्रिप्ट किसकी कॉपी होती है और ट्रांसक्रिप्ट किसके सिमिलर होता है, दो चीजें, ट्रांसक्रिप्ट किसकी कॉपी होती है, ट्रांसक्रिप्ट कॉपी होती है पेरेंट की, सिमिलर होता है ऑफस्प्रिंग के, तो आप क्या कहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे। हालांकि एमएससी में से क्वेश्चन नहीं आते हैं शायद, बट जब अगर आप एमसी कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, तो आप नेट के लिए भी ट्राई करोगे, सीएसए नेट के लिए भी ट्राई करोगे। जब मैंने करा था तो उस टाइम पे भी क्या कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ओके। तो ये हमारा पहला वाला एक हो गया हमारा, क्या कहते हैं हमने क्या कहा कि ए इज ऑलवेज कनेक्टेड टू थायमिन, मतलब एडिनिन ऑलवेज कनेक्टेड टू थायमिन, ग्वानिन ऑलवेज कनेक्टेड टू साइटोसिन, और वाया ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ओके। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम, बेस पेयर बोलते हैं। अब ये क्या है हमारा बेस पेयर है, तो कितने बेस पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें कितना, ये वाला जो मैंने डीएनए का स्टैंड बनाया इसमें कितने बेस पेयर है हमारे, 11 बेस पेयर है, ठीक है। तो अब इस बेस पेयर से एक बात आती है कि जो डीएनए की टोपोलॉजी पर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था मॉडसन एंड क्रिक ने, तो उन्होंने क्या देखा था कि जो डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो हेलिक्सिस होते हैं, सबसे पहले कि हेलिक्सिस की लेंथ समझ लेते हैं। देखिए हेलिक्सिस क्या, हेलिक्सिस की लेंथ मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमारे पास डीएनए का एक हेलिक्स है,
ठीक है। तो ये जो एक हेलिक्स है, ये है हेलिक्स है, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ एक हेलिक्स है ठीक है, एक है हमारा एक यहाँ तक, ये एक हेलिक्स यहाँ तक है ठीक है, एक हेलिक्स यहाँ तक है ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी, एक हेलिक्स की लेंथ क्या है हमारी, या फिर एक टर्न की लेंथ क्या है, तो द लेंथ ऑफ अ हेलिक्स और द, हाँ द लेंथ ऑफ अ हेलिक्स टर्न इन डीएनए, इन डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर ठीक है। तो द लेंथ ऑफ अ हेलिक्स टर्न इन डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर, कहीं पे 3.4 नैनोमीटर दिया होगा, कहीं पे 34 एंगस्ट्रॉम दिया होगा, आपको सिंपल कैलकुलेट करके निकालना है, माइक्रोमीटर भी बना सकते हो आप, इसको मीटर भी बना सकते हो, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा बनाना है। ओके अब उसके बाद क्या है हमारा, अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ अ हेलिक्स टर्न इन डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम, तो एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं, देखिए ये बेस पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं ठीक। अब बेस पेयर के बारे में, तो देयर इज 10.5 बेस पेयर्स पर हेलिक्स टर्न, हेलिक्स टर्न, तो हर एक टर्न में क्या होगा, एक हेलिक्स टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, तो इसमें ये जो हमारा एरिया है, एक हेलिक्स में कितना एरिया है, ये वाला जो एरिया है हमारा, इस एरिया में कितने होंगे, 10.5 बेस पेयर होंगे ठीक है। और ये जो डीएनए होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा राइट हैंडेड डीएनए, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ठीक है। जो डीएनए की टोपोलॉजी बात करेंगे, जनरल डीएनए की टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए इससे पहले राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, जिगजैग, ए बी सी टी, सॉरी हाँ ए बी सी और जेड डीएनए हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो उसमें ज्यादा हम जाएंगे नहीं अभी, जनरल आइडिया जो हमारा इसके बारे में है, डीएनए की टोपोलॉजी, मोडर्स एंड क्रिक ने क्या देखा था वो हम ध्यान देंगे ठीक है। तो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है हमारा, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर किसमें होता है हमारा, हमारा जो डीएनए है, जनरल डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक ने देखा था, वो क्या होता है हमारा, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब ये जो घूमेगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा राइट हैंडेड ठीक है, मतलब राइट हैंडेड है ये, तो लेफ्ट हैंड हो गया, ये होगा राइट हैंडेड ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज होगा, ऐसा समझ लेते हैं ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, क्लॉकवाइज घूमेगा, तो राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। अब क्या कहते हैं कि जब हमने कहा कि राइट हैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है 10.5 बेस पेयर पर हेलिक्स टर्न होते हैं, अब देखिए एक हेलिक्स में ठीक है हमें क्या होते हैं, देयर आर ग्रूव्स प्रेजेंट इन एवरी हेलिक्स टर्न, देयर आर ग्रुप्स प्रेजेंट इन एवरी हेलिक्स टर्न। अब हर एक हेलिक्स टर्न में ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन से ग्रुप होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक होता है हमारा मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप, एंड दूसरा क्या होता है हमारा माइनर ग्रुप। अब जब वापस हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं ठीक है। ग्रुप क्या होता है, डीएनए के हेलिक्स के बीच के कहते हैं डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, फिर बीच के गड्ढे के बारे में बात कर रहे होते हैं ठीक है। तो देखिए हर एक हेलिक्स टर्न में क्या होता है, एक हमारे पास मेजर मेजर ग्रुप है, एक हमारे पास क्या कहते हैं, एक हमारे पास क्या है, एक माइनर ग्रुप है, फिर ऐसा समझ लेते हैं, एक हमारे पास मेजर ग्रुप है, एक हमारे पास माइनर ग्रुप है, एक हमारे पास मेजर ग्रुप है, एक हमारे पास माइनर ग्रुप है, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारा ग्रुप्स है ठीक है। तो ग्रुप्स का काम क्या होता है, ग्रुप्स क्या करते हैं, दे आर द एंकर पॉइंट फॉर द रेप्लिकेशन, दे फंक्शन एज द फंक्शन एज अ दे फंक्शन एज अ ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन, और इसी बोलते हैं ऑरिजन ऑफ रेप्लीकेशन का, मतलब जहां से रेप्लीकेशन स्टार्ट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन स्टार्ट पॉइंट ठीक है। क्या होता है, ये मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप क्या करते हैं, इसमें जो ग्रुप्स है यहाँ पे आके ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन, मतलब रेप्लीकेशन के टाइम पे जो पॉलीमरेजेस होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो आगे इन ग्रुप्स में आके अटैच होते हैं, और डीएनए के क्या कहते हैं, सबसे पहले तो अनवाइंडिंग होती है, अनवाइंडिंग के बाद क्या होता है हमारे पास, अनवाइंडिंग होती है टोपोइमरेज के थ्रू,
पॉलीमरेज के थ्रू जब अनबाइंडिंग होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये फिर उसके अंदर क्या कहते हैं हमारे पास अदर पॉलीमरेज ऐड होते हैं, तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो आपके वहाँ पे ओरिजिनल रेप्लिकेशन पे ग्रुप माइनर ग्रुप पे आके वहाँ पे क्या होता है हमारा अटैच होता है। तो ये हमारा कहते हैं डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, जो टोपोलॉजी होती है डीएनए की वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, और कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा, और क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हमारा कोई नया लेक्चर आए, हालांकि हफ्ते में हम वीकडेज में 4 वीकडेज हमारा क्या होता है लेक्चर्स के लिए होता है ठीक है, और उसमें से कहते हैं 2 दिन हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रखते हैं, 2 दिन कुछ और, दो दिन दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे पेपर के बारे में ट्राई करते हैं ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि एक एक टाइम पे हम आपका जितना ज़्यादा हो सके उतना सिलेबस कंप्लीट कर सके ठीक है। सो क्वेश्चन है डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, कोई सजेशन है कोई थॉट है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए ऑल द बेस्ट, एक्चुअली ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, एंड टाटा बाय बाय।